हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया ना यार? हम तो बस यही चाहेंगे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। पता है ना 2020 कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अच्छा दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि चिलचिलाती गर्मी के मौसम में पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे वाटर पार्क। अरे हाँ भाई, वही वाटर पार्क जहाँ बड़ा मजा आता है कि नहीं? बच्चों के साथ ही बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि पानी वाले रोमांचक स्लाइड्स की मस्ती में गर्मी का एहसास ही नहीं होता और छुट्टियों का मजा भी आ जाता है यार। तरह तरह की वाटर स्लाइड्स का नेक्स्ट लेवल का ही मजा होता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे दुनिया के कुछ ऐसे वाटर स्लाइड्स के बारे में जो बेहद खतरनाक हैं और यहाँ कई बार दुर्घटनाओं में लोगों की मौत भी हो चुकी है। जानना चाहते हैं कि वो वाटर पार्क कौन से? तो आप वीडियो को टकटकी लगाकर एकदम अंत तक देखना, ठीक है? लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो ना, और बगल वाली घंटी को भी दबा देना ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ता रहे। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टीमर स्लाइड कैलिस्पो वाटर पार्क कनाडा। साल 2015 में स्लाइड पे 20 सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लग चुका है और इसकी वजह से कई लोगों को चोट भी लगी थी। इस कारण इस स्लाइड को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया और वाटर पार्क से इसे हटा दिया गया। नंबर 2, एक्वास्पेयर पीएआरसी ऑस्ट्रेलिया। पेनिनसुला एक्वेटिक रिक्रिएशनल सेंटर का एक्वास्पेयर वाटर स्लाइड भी 2016 में बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें स्विमिंग के दौरान कई लोग घायल हो गए थे। नंबर 3, शूट द रैपिड्स सीडर पॉइंट। दोस्तों, शूट द रैपिड्स एक बेहद खतरनाक वाटर स्लाइड थी जिसमें एक साथ 10 लोग स्लाइड कर सकते थे और इस कारण से कई लोगों को चोट भी लगती थी। बाद में स्लाइड को बंद कर दिया गया। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आपके शहर गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ब्लैक होल वाटर स्लाइड वेट एंड वाइल्ड वाटर पार्क ऑरलैंडो। ये स्लाइड भी बहुत खतरनाक थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई लोगों को इस पे सवारी के दौरान खतरनाक चोटें आई थी और फिर कई लोगों ने कंपनी पे मुकदमा भी दायर किया और अंततः आखिरकार इस स्लाइड को भी बंद कर देना पड़ा। नंबर 5, इसानो वाटर स्लाइड बीच पार्क ब्राजील। भैया, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक वाटर स्लाइड्स में से एक है। आपको बता दें कि इसका गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है। ये 14 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। जाहिर है इसकी ऊंची वाटर स्लाइड की सवारी में चोट तो लगेगी। अब ये बंद हो चुका है। पता नहीं यार लोग इतने खतरनाक स्लाइड्स में कैसे जाते होंगे। नंबर 6, सहारा साइड विंडर कालाहारी रिजॉर्ट ओहायो। दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही खतरनाक तो था ही, साथ ही बेहद रोमांचक भी था। इस स्लाइड की सवारी के दौरान घायल हो चुके बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद ये स्लाइड भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 7, वेक्ट कैंसस सिटी वाटर पार्क। ये दुनिया के सबसे लंबे और बड़े वाटर स्लाइड्स में से एक है। इस स्लाइड पे सवारी का लोगों को बहुत खौफनाक अनुभव रहा। कई लोगों को गंभीर चोट भी लगी, जिसके बाद लोगों ने इसकी सवारी बंद कर दी और अब ये एक इतिहास बन के रह गई। नंबर 8, फोर्ट रैपिड्स इंडोर वाटर पार्क। फोर्ट रैपिड्स इंडोर वाटर पार्क के अंदर की वाटर स्लाइड फरवरी 2016 से बंद कर दी गई, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा और सेहत के लिहाज से सुरक्षित नहीं था। देखिए ना कितना खौफनाक स्लाइड था ये। आज अगर ऐसा वाटर पार्क होता तो क्या आप जाना चाहते, बताओ ना कमेंट में। नंबर 9, जीरो निमो फॉल्स एक्शन पार्क न्यू जर्सी। अब देखिए, इस वाटर पार्क को देखने से ही इसके डेयरिंगनेस का पता लगाया जा सकता है। इस खतरनाक स्लाइड पर सवारी के दौरान कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई, जिसके बाद में इसे बंद कर दिया गया। नंबर 10, कैनन बॉल लूप एक्शन पार्क न्यू जर्सी। कैनन बॉल लूप वाटर पार्क को शुरू होने के एक महीने के भीतर ही बंद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों किया गया होगा, चलिए बताते हैं। क्योंकि इसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था, इसका डिजाइन भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से लोग इसमें फंस जाते थे और फिर इंजर्ड हो जाते थे। तो ये थे 10 ऐसे वाटर पार्क जिन्हें खतरनाक होने की वजह से बाद में बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप अंत तक वीडियो में बने थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, आप हमें इतना बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।